Yeah. तो एक कोई आसान तरीका हमारी ऑडियंस के लिए जिससे कि पैसा बन जाए ये मत सोचना कि हमारी ऑडियंस बहुत करोड़पति है बस ये समझ लो कि दो पांच दस लाख वाला कोई है तो उसके लिए कुछ ऐसा बता दो आदित्य भाई कि वो लोग पैसा बना सर मैं ना एक पैसा बनाने की गोल्डन टेक्निक है ठीक है हाँ, मैं वही बताता हूँ ठीक है इक्वेशन होती है एक्सपेक्टेंसी की जी एक्सपेक्टेंसी की इक्वेशन होती है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फिर मैं इसको ईजी करके समझाऊंगा है ना इज ऑफ विन इंटू प्रोबिलिटी ऑफ विन माइनस साइज ऑफ लॉस इंटू प्रोबिलिटी ऑफ लॉस ये ग्रेटर देन होना चाहिए ठीक है बस आपने अगर इस इक्वेशन में सब कुछ फिट कर दिया तो आप समझ लो कि किसी भी चीज में आप कुछ भी कर दो एक सिक्का उछाल के आप रोज फ्यूचर कर दो उसमें भी पैसा बन जाएगा और मैंने वो किया है हमारा शायद आपका डिस्कशन भी हुआ है ये स्ट्रैटेजी को लेके उस पर भी मैं आऊंगा उसके रिजल्ट भी है मेरे पास ठीक है तो साइज ऑफ विन का मतलब क्या हुआ कितना बड़ा जीतते हो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ वन का आप कितनी टाइम जीतते हो मतलब आप सौ में से नब्बे बार जीत रहे हो

बड़ा सिंपल सा तरीका है जैसे जैसे हमने एक सिस्टम किया था जो आपसे डिस्कस भी किया है एक सिस्टम था एक अकाउंट में फ्यूचर बेचा ठीक है सौ पॉइंट का एस लिया एक अकाउंट में फ्यूचर खरीदा सौ पॉइंट का एसेल लिया अब दो दो अलग अलग अकाउंट चल रहे हैं एक अकाउंट में रोज सुबह दस बजे आए फ्यूचर खरीदा सौ पॉइंट का एस लिया एक अकाउंट में फ्यूचर बेचा सौ पॉइंट का एसेल लिया अब क्या होना चाहिए सर दोनों अकाउंट का साल का रिटर्न एक में प्रॉफिट आएगा नहीं दोनों दोनों साल में सौ परसेंट से ऊपर रिटर्न हुआ क्यों क्योंकि आपने सौ पॉइंट का एस लिया ना कमाने को तो हजार है जिस दिन मार्केट गिरेगा तो उस दिन हजार मिलेंगे आपको अगर आपने बेचा हुआ है तो और सौ पॉइंट एसएल नहीं हुआ तो आप 100 रखते है सौ परसेंट से ऊपर रिटर्न है ये बहुत इजीली बैक टेस्ट भी हो जाएगा आप चेक भी कर सकते हैं तो हमने तो किया भी था मतलब दोस्तों करना क्या है दो अकाउंट रखिए या एक ही अकाउंट रखिए करंट मंथ वाले को खरीदिए

उनचास नौ पे बेचा बस ये फॉलो करना है लेकिन आजकल जैसे आज ही की बात करें पहले वो सो दो सो तो कटिंग है है ना बात है, इसका विन रेशो तो सिर्फ सर थर्टी थर्टी मतलब आप सौ में से तीस बार ही जीतोगे बट आप जब जीतोगे तो दो दो हजार पॉइंट की आपको मूव मिलेंगे बीस बार का लॉस एक साथ पूरा कर जैसे मार्केट एक दिन पहले थी तो बढ़नी शुरू हुई तो करेक्ट अब आज सुबह से निफ्टी बढ़ रही थी आप अगर सुबह आपने दस बजे ट्रेड लिया होगा तो दस बजे से तो एसल कटा ही नहीं तो दस बजे बढ़ी रही तो आपको तो ढाई सौ तीन सौ पॉइंट मिल गए और ऐसे मुश्किल से आपका तीस चालीस पॉइंट का होता निफ्टी में मैं अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहा था निफ्टी में आपको टू हंड्रेड पॉइंट से ऊपर का मूव मिला है इसमें आज मैं ये नहीं कह रहा कि यह सिस्टम रोज चलेगा मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है अगर आप इसके ड्रॉडाउन ले सकते हो उसके ड्रॉडाउन बढ़े हैं फोर्टी परसेंट टाइप के ड्रा है अगर आप इस सिस्टम के ड्रा ले सकते हो तो आप सौ परसेंट चाल का बना सकते हो हम नहीं करते ये सिस्टम क्योंकि हमारा बड़ा फंड है हम उस पर फोर्टी परसेंट ड्रा लेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे तो हमको ड्रॉडाउन कम करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ड्रॉडाउन नहीं हो रिटर्न्स कम हो चलेगा तो